देखो सबसे पहले क्या करते हैं ना, पहले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आप पढ़ो, इतना ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को आप कि क्वेश्चन तो कम से कम तुम्हारे दिमाग में बस ही जाए अच्छे से। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है और इस बॉल को आपने क्या करा है, इस बॉल को ब्रदर्स आपने 45 डिग्री वर्टिकल से 45 डिग्री करके आपने इसको लॉन्च करा है, प्रोजेक्ट किया है। तो अगर ये वर्टिकल से 45 डिग्री कह रहा है तो क्या ये हॉरिजेंटल से भी 45 डिग्री होगा? डेफिनेटली दैट विल बी ओके। तो लेकिन अगर, हाँ ये बात याद रखना, आपका क्वेश्चन बिल्कुल लॉजिकल था। क्वेश्चन ये था आपका कि मतलब अगर 60 होता तो क्या होता, तो अगर यहाँ से 60 होता तो यहाँ से 30 होता, ठीक है। तो ये बात का आप ख्याल रखो गेम, ओके। चलो अब जब ये लॉन्च किया तो सामने एक दीवार है और इस दीवार को ये टच करता हुआ, मतलब जस्ट टच करता हुआ जा रहा है, मतलब जस्ट पार किया है। पार करने का मतलब इस बॉल ने, ये बॉल यहाँ से गुजरी है, ये बॉल यहाँ से गुजरी है। और अगर ये बॉल यहाँ से गुजरी, इसका मतलब इस बॉल ने मैक्सिमम हाइट दीवाल की हाइट के बराबर टच करी होगी। इसका मतलब यू कैन राइट हियर व्हाट एच मैक्स। बहुत अच्छा, इसका मतलब ये हो गया बच्चा कि आप एच मैक्स इसको लिख सकते हो। क्वेश्चन ये है कि अगर इसने लॉन्च करा और 2 मीटर दूर एक दीवार है और इस दीवार की एच मैक्स को जस्ट टच करता हुआ अगर ये निकल रहा है तो आपको ये कहना है। अच्छा, और ये कह रहा है कि इससे 4 मीटर दूर जाके गिरता है, बॉल कहाँ गिरती है? बॉल यहाँ आके गिरती है, बॉल यहाँ आके गिरती है। तो आपको क्या बताना है, आपको क्या क्या बताना है? पहली चीज़ तो हाइट ऑफ द वॉल निकालना है, ओके। हाइट ऑफ द वॉल निकालना है और तो दीवार की, हाँ बस हाइट ऑफ द वॉल। अब आप ट्राई करिए, अपना बेस्ट ट्राई करो। केवल एक बात ये निकालनी है ब्रदर कि आपका एच मैक्स कितना आएगा। तो ध्यान दो, तुम्हें दिया क्या क्या गया है, तुम्हें क्या पता है। फिजिक्स का सबसे पहला रूल यही होता है मेरे हिसाब से कि जो भी गिवन डेटा हो वो गिवन डेटा आप क्या करो, राइट डाउन कर लो। तो पहला गिवन डेटा आपको ये दिया गया है, क्या आपको क्या दिया गया है बताओ? आपको थीटा दिया गया, कितना बच्चा? 45 डिग्री। और क्या दिया गया है, दिमाग लगा के बताओ, आपको और क्या दिया गया है? आपको आर दिया गया है, क्या दिया गया है? आर दिया गया है, रेंज, दैट इज कितना, 2 यहां तक और 4 यहां तक, तो 4 + 2 इज इक्वल टू हाउ मच? 6 मीटर। आपको रेंज दिया गया है ब्रदर, आपको क्या दिया गया है? आपको रेंज दिया गया है। तो अब आप हमें ये बताओ कि अगर आपको रेंज दिया गया है तो रेंज के फार्मूले को u² sin 2 θ / g का इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल किया जाए। जैसे आप इसको इस्तेमाल करते हो, आप लिखते हो यू स्क्वायर, पता है क्या? नहीं पता है, यू स्क्वायर नहीं पता है, तो यू को यू ही रहने दो। साइन 2 θ बोले तो बच्चा 45 से तो 90 हो जाएगा ना, साइन 90 अपान का, बोलो बोलो बोलो, जी बोले तो 10 रख दो, कोई दिक्कत। अच्छा, रेंज दिया कितना गया है बोलो? 6 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा बोलो? यू स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 60, बोलो बोलो। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रदर 60, बोलो, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 60। हैव एनी डाउट? नो डाउट। यू स्क्वायर भैया आपने यू यू निकाल लो यार, रूट 60 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको नेक्स्ट थिंग क्या निकालनी है, एच मैक्स। और एच मैक्स का फार्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, यही तो। तो चलो आ जाओ कर लेते हैं काम। यू स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी हमने क्या निकाला बच्चा? 60 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 45 है, तो 1/√2 का स्क्वायर अपान 2g बोले तो 2 × 10, कोई दिक्कत। यो गया आया 3, ये कितना आएगा भाई? 3/4, 2 × 2 = 4 ना, कि 2 2, इसका मतलब हो गया 1.5 मीटर विल बी द हाइट ऑफ व्हाट? वॉल, यानी वॉल की जो हाइट आएगी एच मैक्स दैट विल बी 1.5 मीटर। कोई समस्या? तो सवाल को क्या करना है ना, सवाल को बहुत ही अच्छे से सोचना है प्रोजेक्टाइल के, और प्रोजेक्टाइल के सवाल केवल और केवल फार्मूला बेस्ड। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि वो सवाल जो हैं, वो सवाल आपसे पूछ क्या रहे हैं,
और आप उसमें फार्मूला कौन सा अप्लाई करो जी। इसीलिए आपको ट्रेजेक्ट्री का फार्मूला, आपको एच मैक्स का फार्मूला, रेंज का फार्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला, ये सारे फार्मूले बिल्कुल जबान पे आपने होने चाहिए। ओके चल आपका ना ये क्वेश्चन आप ट्रेजेक्ट्री से भी लगा सकते हो। ट्रेजेक्ट्री क्या कहती है? ट्रेजेक्ट्री कहती है y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस g अपॉन टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमको पता क्या करना है, y ही तो पता करना है। अरे भाई ये x एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, बोलो हाँ ना। ट्रेजेक्ट्री ऐसे ही तो जाती है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाता है, y इज इक्वल टू यही तो आप कहते हो x tan थीटा माइनस g अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो होती है ट्रेजेक्ट्री, यही तो आपने इक्वेशन निकाला था। और रखते हैं इस पे, तो y बोले तो वही हाइट वाली y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे चला गया डिस्टेंस इज इक्वल टू कब, जब रेंज यो है, यो बोले तो x, x है ना ये, तो जब x इतना गया है तो इस ट्रेजेक्ट्री ने, इस ट्रेजेक्ट्री ने कौन सा पाथ फॉलो करा है, यही तो है इसकी ट्रेजेक्ट्री, यही तो है। तो अगर ये है तो ये इस इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए, बोलो हाँ है ना। अगर ये फॉलो करना चाहिए तो y इज इक्वल टू एक्स, एक्स बोले तो 6 गुणे टेन थीटा बोले तो 1/2, सही है। टेन 45 अंश की वैल्यू 1 होती है बेटा, है भैया। माइनस g कितना 10 बट्टे 2 गुणे u स्क्वायर, नहीं पता u स्क्वायर आया था कहीं, ए ए ए ए ये, तो इसको आप 6g कह लो या 60 लिख लो, कोई तकलीफ नहीं होगी। चलो हम लोग 60 ही लिखते हैं, नहीं सॉरी ब्रदर, हाँ ठीक है, u स्क्वायर को 60 रखते हैं। और कॉस स्क्वायर थीटा बोले तो ब्रदर 1/2, क्योंकि 1/2 होता है ना, 1/√2 होता है, तो 1/2 हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। तो यो गया, तो 6 - 1/6, मैं सही हूँ या गलत, मैं सही हूँ या गलत, बोलो सही है, सही है। तो 6 - 1/6, 6 और 1 का लासा 6, बोले तो 6 - 1 = 5/6, एक्स स्क्वायर, ओहो, एक्स स्क्वायर का मान भी रखना है भाई, 36, 6 × 6, तो 6 - 6 = 0, ये ऐसा क्यों हो रहा है ये बताओ। ट्रेजेक्ट्री के फार्मूले से जब हम लगा रहे हैं तो आपका आंसर गलत आ रहा है, क्यों जल्दी बोलो गलत क्यों आ रहा है, क्या ये सही है, क्या ये जो सॉल्व किए हो जल्दीबाजी में क्या ये सही है, सही से बताओ पहले, क्योंकि अगर ये सवाल गलत है तो इसका मतलब कि भैया आपको कोऑर्डिनेट नहीं आता, इसका मतलब आपको कोऑर्डिनेट नहीं आता, क्योंकि इसमें मैंने गलती करी जानबूझकर। तुम्हें क्या लग रहा है, ये सवाल सही है कि गलत है, पहले बताओ। तो अभी इधर तो निकाल है, हो तो 1.5 आ रहा, उधर 0 आ रहा, तो सीधी बात गलत ही है, कहने वाली कौन सी बात है। अच्छा ये 0 अगर आ रहा है तो क्या ये 0 सही है या गलत है, ये 0 भी सही है, क्यों सही है, नहीं ये 0 इसलिए सही है क्योंकि तुमने तब निकाला है, नहीं जब वो मैक्सिमम रेंज पर था, तुमने यक्स की वैल्यू क्या ली है 6, तब तुम्हारा क्या आ रहा है 0, इसका मतलब तुम सही किए हो। एक बार कहते हो गलत किए, एक बार कहते हो सही किए, भैया चक्कर क्या है, कहना क्या चाहते हो। तो कहना ये चाहते हैं कि आपको x को ख्याल में रखना पड़ेगा, 11th क्लास में हो, पहली क्लास कर रहे हो, तो ये गलतियां करना जायज है, आप इस गलती को करिए, क्योंकि ये गलती नहीं करिएगा तो आप सीख नहीं पाइएगा कि वास्तव में इस सवाल को टैकल कैसे करते हैं। इधर आओ, पहले फिर से फार्मूले में आओ, इधर देखो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस
जी बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये जो यक्स है बच्चा, ये यक्स जानते हो क्या है? ये उस यक्स की बात करता है जहां पे तुम्हें वाई चाहिए। ये उस यक्स की बात करता है जहां पे तुम्हें वाई चाहिए। तुमने कहां यक्स की बात कर ली? तुमने वहां यक्स की बात कर ली भैया जहां पे तुम्हें वाई चाहिए था। लेकिन तुम्हें यहां पे थोड़ी चाहिए, तुम्हें तो यहां पे चाहिए ना वाई। ले यहीं पे तो चाहिए वाई। तो अगर यहां पे चाहिए वाई तो यहां पे यक्स की वैल्यू क्या लोगे? यहां पे चाहिए ना वाई तो यहां पे यक्स की वैल्यू क्या लोगे? यस। इसका मतलब ये जो सही लगाए हुए सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक काम ये करो, ये काम ये करो कि y बराबर x tan थीटा माइनस बोलो g अपान 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होता है इंटू x स्क्वायर होता है। बोलो हाँ या ना? तुम कुछ मत करो, तुम x की वैल्यू क्या रख दो बच्चा? ओनली 2। यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, tan थीटा की वैल्यू 1 माइनस g बोले तो 10 अपान 2 बोले तो 2, यू स्क्वायर बोले तो 60, जी बोले तो 6, जी बोले तो 60, यू स्क्वायर है ना तो 60 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बोले तो 1/2। आओ देखते हैं क्या होता है करिश्मा, करिश्मा। अच्छा एक्स स्क्वायर तो 2 दूना 4, सब ठीक ठाक? बोलो भैया तो 2 माइनस 4 बट्टा कितना? 6। अरे भिन्न तो आता है, 10 बटा 2 60 ये वो 3 5 सब खत्म, 2 2 खत्म 4, तो 2 3 तो यानी 2 माइनस 2 बटा 3, जिसका लासा कोई नहीं उसका लासा 1, अरे वो तो 3 यहाँ पे 2 माइनस नहीं 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 3 दो नहीं 6 1 बराबर 5 बटा 3 ना, बोलो 5 बटा 3 ना, अरे 1 3 दूना 6, 6 माइनस 1 सॉरी 2 तो 4 बटा 3, हाँ तो 4 बटा 3 बोले तो 3.6, अरे 3 एक करना 3 1 आया, 3 तिरिक 9 तो वही अप्रॉक्स वही 1.5 उसमें आ रहा था, और ट्रेजेक्ट्री से लगाओगे तो 1. ये मैक्स से लगा दोगे तो 1.5, ट्रेजेक्ट्री से लगाओगे तो लगभग 1.3333 आ जाओ। तो बातें दोनों लगभग वही बराबर हैं, 10 का अंतर, कोई दिक्कत? अब हमें बताओ कि क्या सवाल समझ में आया? बताओ मजा आया? तो देखो ऐसे सवाल जो ट्रेजेक्ट्री बेस्ड होंगे आपको दोनों आइडिया होना चाहिए। भैया पहले वाले में यार आप एच मैक्स क्यों लगा दिए थे? इसलिए एच मैक्स की ही वो कंडीशन, लेकिन एक बात याद रखना, जरूरी थोड़ी है कि वो एच मैक्स पे ही। अब बताओ कि पहला वाला अप्रोच सही था या दूसरा वाला अप्रोच सही है? पहला वाला अप्रोच सही था या दूसरा वाला अप्रोच सही है? अब बात आई एकदम एक्यूरेट क्या होगा भैया, ये बताओ। बिल्कुल सही जवाब 1.5 होगा कि 1.33 होगा या दोनों बराबर हैं? सच सच क्या है जानते हो? सच ये है कि जरूरी नहीं है कि तुम्हारी दीवाल एच मैक्स पे ही तुमसे मिलती। अगर हम कहें कि ये यहाँ पे है दीवाल, अब बताओ हम आपसे कह दें कि ये दीवाल यहाँ पे है, हाँ नहीं कहते क्या? हम ये कह दें आपसे कि ये दीवाल यहाँ पे है, अब क्या उसने ये बोला है कि जो दीवाल है वो एच मैक्स को ही क्रॉस करेगी? ऐसा तो है नहीं, और वैसे भी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, समझ में आ रही बात? यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है। इसका मतलब ये आधे पे होता तो हम एच मैक्स लगा देते। इसका मतलब ये फिगर कुछ कुछ आपका क्या बना है बोलो? तो लोग काउंटर नहीं करना चाहते, मास्टर को परेशान करो, कह दो भैया ये गलत बना है यार, यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है। इसका मतलब ये फिगर आपका कुछ ऐसे बनेगा, ए ऐसे बनेगा, क्या कहते हो? अब यहाँ से यहाँ तक 2 होगा और यहाँ से यहाँ तक 4, अरे 2-4 में अंतर नहीं दिखता? 2-4 में अंतर नहीं दिखता? मज़ा फिजिक्स में तभी आता जब आप गलतियाँ करके सीखो, समझ में आ रही बात? तो इतनी लॉजिकल, अब देखो होगा क्या होगा, ये कि अब तुमको दो बातें पता चल गई,
कि सवाल में क्या नहीं करना है ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। सवाल में क्या करना है वो तो आपको फाइनली पता चलेगा। इसलिए अगर ये वीडियो पूरी कोई नहीं देखेगा तो उसके लिए भी खतरा है, उसके लिए खतरा ये है कि बस यहाँ तक देखा, डेढ़ आया, मस्त हो गए। बात समझ में आ रही है? तो कंप्लीट नॉलेज के लिए कंप्लीट वीडियो देखें, ठीक। अब आप इसको कर लो, ठीक, कर लो। कि सवाल को लगाइए ज़बरदस्त ढंग से, और फिजिक्स के क्वेश्चन का मतलब यही होता है कि फिजिक्स के क्वेश्चन का मतलब है कि आपको गिवन डेटा पता होना चाहिए, ठीक है। गिवन डेटा जब आपको हो जाए तो आप लगाइए दिमाग कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल करें, ये ओके। अगला क्वेश्चन है एक जेई का बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, कहिए तो तुरंत करवाएं, पहले तो आप इसको डाउनलोड करते रहें, ठीक है। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके लिए हैं यार, बस आप थोड़ा सा एक बार करो तो सही, यहीं बैठे बैठे पूरा करवा देंगे तुम्हें एकदम खतरनाक ढंग से। बात समझ आ रही? एक बार करो। नीट 2013 का एक, ये हो गया, नीट 2013 का एक क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, लिखिए द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट द इनिशियल पॉइंट ए, ए पर उसकी वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 3j कैप, ओके, 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड। तो b पे उसकी वेलोसिटी बताइए। देखिएगा, ये एक आपका प्रोजेक्टाइल बना हुआ है, ये आपका एक प्रोजेक्टाइल बना हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ए ऐसा ऐसा, तो यहाँ पे ए पे और ये पे b है, तो इसका मतलब ए इज अ ओरिजिन पॉइंट पे आपकी जो वेलोसिटी है बच्चा वो इतना है 2i कैप प्लस 3j कैप, तो पॉइंट बी पे इसकी वेलोसिटी बताओ, तो पॉइंट बी पे इसकी वेलोसिटी बताओ। चल, ट्राई योर बेस्ट। कुछ बातें आपको बतानी है, कुछ बातें आप ऐसे जानिए, ये बिल्कुल जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ये रिप्लिका को फॉलो करता है, जस्ट रिप्लिका। क्या मतलब हुआ भैया इसका? इसका मतलब ये हुआ, इधर देखो, इसी पे हम बता देते हैं, इधर देखो, इस वाले पाथ को कंसीडर करना बच्चा, इस वाले को, अब यहाँ से यहाँ तक 2 ही मीटर मान लो, चलो इस वाले पाथ को फॉलो करना, ये वाला ब्लैक वाला, ठीक। और ध्यान से देखो, कुछ बातें आपको याद रखनी हैं। आपने सुना होगा एक बात कि किसी पार्टिकल को जितनी वेलोसिटी से आप ऊपर फेंकते हो, ये बात सुना आपने, आप किसी पार्टिकल को जितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हो उतनी ही वेलोसिटी से वो जमीन को टच करता है, क्या ये बात आपको पता है? ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितनी वेलोसिटी से आपने फेंका है, आपने कितनी वेलोसिटी से फेंका है, 2i कैप प्लस 3j कैप, क्योंकि जब आप ऊपर फेंक रहे थे तो आपकी x डायरेक्शन ऐसी थी और y डायरेक्शन भी प्लस में थी, हमेशा याद रखना कि ये डायरेक्शन आपको प्लस में, क्योंकि ऊपर फेंक रहे हो पहली बात तो, और तुम माइनस यहाँ पे लिख सकते नहीं। अच्छा, इसका मत, हाँ, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये बोलो जरा, नीट 2013 का क्वेश्चन है और कहो तो हम आपको दे देते हैं वो भी, एक बार खुद से ट्राई करो ना यार, देखो, -2i कैप -3j कैप ए ऑप्शन, दूसरा 2i कैप -3j कैप, तीसरा -2i कैप प्लस 3j कैप, और चौथा 2i कैप प्लस 3j कैप। ब्रदर, जस्ट इमेजिन, अभी भैया आपने बताया यार कि जितने वेलोसिटी से यहाँ पे होगा उतनी ही यहाँ पे, तो क्या कहोगे, कितना, चार नंबर दीदी, कितना, चार नंबर,
कक्षा 11 के बच्चों थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की धज्जियां मत बिगाड़ा करो यार. व्हेन एवर योर पार्टिकल इज हेयर देन व्हाट विल हैपन, एक्स विल बी ऑन एक्स बट वाई विल बी जस्ट अपोजिट. देन कौन सा सेकेंड वाला? यस क्योंकि ये तो यही रहेगा लेकिन इसकी डायरेक्शन बच्चा बदल जा रही है. तो देन यू कैन से दैट दिस विल बी द करेक्ट वन. नीट 2013 चार नंबर फट से मिल जाएगा. समझ में आ रही बात? थोड़ा सा कक्षा 10 का इस्तेमाल करना, इसीलिए कक्षा 11 कक्षा 10 के बाद बनाई जाती है. वैसे कौन सी बात बता दी हमें? कक्षा 11 इसीलिए कक्षा 10 के बाद बनाई जाती है कि कक्षा 10 में तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दिया जाए, फिर तुम्हें प्रोजेक्टाइल पढ़ाया जाए. सो समझ के बनाते हैं लोग कोर्स. चलिए ठीक है, तो इतना करके आप हमें मिलिए और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके नीट और जेई के क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, इतने पे ही कि आपने टाइम ऑफ फ्लाइट सीख ली, आपने मैक्सिमम रेंज सीख ली, आपने एच मैक्स सीख लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्स, रेंज, ट्रेजेक्ट्री, केवल इतनी चीज़ें अगर आपको ध्यान में रहेंगी. वेक्टर इसके पहले हम लोग तोड़ चुके हैं, वेक्टर का भी आइडिया रखना, सवाल भयंकर बनेंगे, टेंशन मत लेना. ठीक है, चल.